हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी में जो बच्चे का मस्तिष्क रहता है उसका विकास कब से स्टार्ट होता है, और साथ ही आप चाहते हैं कि आपका बच्चा बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, बुद्धिमान हो, उसकी जो बुद्धि काफ़ी तेज़ हो, तो आपको ऐसी कौन सी चीज़ें जो अपनी डाइट में शामिल आप कर सकते हैं। गर्भावस्था का जो पाँचवें हफ्ते का आसपास रहता है, शिशु का ब्रेन और मस्तिष्क का विकास की जो प्रक्रिया रहती है वो स्टार्ट हो जाती है। ये छः या सातवें हफ्ते तक न्यूरल ट्यूब के बंद होने पर ही शुरू होता है। इस समय बच्चे का ब्रेन तीन अलग हिस्सों में बंट जाता है, यहाँ से ब्रेन की डेवलपमेंट शुरू हो जाती है। तो फर्स्ट तो है ब्रेन स्टेम और सेरिबेलम। ये मस्तिष्क की रीढ़ को हड्डी से जोड़ता है और शरीर की श्वास, हृदय गति, रक्तचाप, संतुलन और सजगता को नियंत्रित करता है। सेकेंड आता है लिम्बिक प्रणाली। यह मस्तिष्क के शीर्ष पर ऊपर होती है। यह भावना, प्यास, भूख, स्मृति, सीखने और शरीर की दैनिक लय सहित कई अलग अलग कार्यों की देखभाल करती है। थर्ड की बात करते हैं, वो है सेरेब्रल कॉर्टेक्स। इसमें बाएं और दाएं गोलार्ध होते हैं जो लिम्बिक प्रणाली के शीर्ष पर स्थित होते हैं, जो बच्चे को भूख, प्यास, ये वाली चीज़ों में कंट्रोल और बच्चा जैसे अपन महसूस करते हैं वैसे ही ये स्टार्ट होती है गर्भ के अंदर। गर्भावस्था की पहली तिमाही में तंत्रिका कनेक्शन बनते हैं जो आपके बच्चे को गर्भ में घूमने में एक हेल्प करते हैं और सक्षम बनाते हैं। दूसरी तिमाही में तंत्रिका कनेक्शन और मस्तिष्क ऊतक बनते हैं, उनका कनेक्शन बनता है। और जो तीसरी तिमाही में सेरेब्रल कॉर्टेक्स मस्तिष्क स्टेम से काम करना शुरू कर देती है, जो आपके बच्चे को भविष्य में सीखने के लिए तैयार करती है कि बच्चे को क्या क्या सीखना है, कैसे बच्चा अपनी चीज़ों को विकसित करता है, धीरे धीरे सब सोचने समझने की प्रक्रिया को तेज करता है। तो ये गर्भ के अंदर जो छठा और सातवें हफ्ते के आसपास ये प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जैसे ही न्यूरल ट्यूब बंद हो जाता है वैसे ही ये वाली चीज़ें स्टार्ट हो जा सकती है, क्योंकि मस्तिष्क तीन अलग हिस्सों में बंट जाता है तो तीनों अपने अलग अलग कार्य करते हैं। अब साथ ही हमने बात करी थी कि अगर आप चाहते हैं कि बच्चा अच्छा तेज बुद्धिमान बने, उसका जो दिमाग है वो विकसित अच्छे से हो, स्ट्रॉन्ग हो, बच्चे की बुद्धि तेज हो, बच्चा तेज हो, माइंडेड हो, तो इसके लिए आपको कुछ ऐसे ड्राई फ्रूट्स आते हैं, आप वो खा सकते हैं। जैसे आप बादाम खा, इससे गर्भ में ही आप बच्चे को तेज और बुद्धिमान बना सकते हैं। साथ ही आप एप्पल खा सकते हैं, यानी कि सेब खा सकते हैं, इससे भी बच्चा जो रहता है वो बुद्धिमान होता है, जो उसके मस्तिष्क है वो उसका डेवलपमेंट काफ़ी तेज होता है और साथ ही बच्चे की बुद्धि धीरे धीरे तेज होने लगती है। अगर आप गर्भावस्था के दौरान ऐसी चीज़ों का सेवन करते हैं तो आपका बच्चा बुद्धिमान होता है, उसका वेट अच्छा रहता है, बच्चा हेल्दी रहता है, उसको जो अक्सर टीथिंग में या दांत निकलते समय जो तकलीफ होती है उस समय प्रोसेस में, तो उसमें उसको एक हेल्प मिलती है, क्योंकि जितना ज़्यादा बच्चा स्ट्रॉन्ग रहेगा उतना ज़्यादा ही वो स्वस्थ रहेगा, बीमार नहीं पड़ेगा। तो आप आपकी डाइट में ये चीज़ों को ज़रूर शामिल कीजिए। इसके साथ ही आप फिश खा सकते हैं, हरे पत्तेदार सब्जियां खा सकते हैं। अगर आप नॉन वेज जो नहीं खाते हैं तो आप अपनी जो डाइट में है वो हरी पत्तेदार सब्जियों को शामिल करें, और अगर आप नॉन वेज खाते हैं तो आप मछली, अंडे, जो चिकन रहता है वो खा सकते हैं। इसके साथ ही आप दूध से बनी हुई चीज़ों का सेवन कर सकते हैं, जिससे आपके बच्चे की बुद्धि तेज विकसित होगी और उसका जो विकास है, डेवलपमेंट है बुद्धि का, वो तेज़ी से होगा, उसका ब्रेन का जो डेवलपमेंट है काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा स्टार्टिंग से। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी ज़रूरी है। किसी भी चीज़ को खाएं लेकिन लिमिटेड मात्रा में खाएं, बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ को ना खाएं, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान बहुत अधिक चीज़ें खाने से आपको नुकसान हो सकता है। तो जो भी आप खाते हैं भले ही आप रोज़ खाएं, लेकिन उनकी क्वांटिटी थोड़ी कम रखिए। ऐसा नहीं है कि आप एक ही बार में, एक ही दिन में या एक ही हफ्ते में बहुत ज़्यादा चीज़ें एक ही साथ खा ली, फिर दूसरे हफ्ते दूसरी चीज़ें खाना स्टार्ट कर दी। तो आप भले ही प्रेगनेंसी के पूरे मंथ खाएं, बादाम खा सकते हैं, आप जो एग्स रहते हैं वो आपको फर्स्ट से थर्ड मंथ में अवॉइड करना है, क्योंकि इसमें कई कीटाणु रहते हैं, जो बैक्टीरिया रहते हैं एग्ज में, वो आपके बच्चे को और आपको नुकसान पहुंचाते हैं। तो आप उसे अच्छे से बॉईल कीजिए, उसको अच्छे से फ्राई कीजिए, उसके बाद आप खा सकते हैं। जो भी आप पालक पत्ती सब्जी खाते हैं उसे अच्छे से वॉश कीजिए, वॉश करने के बाद उसे अच्छे से धोइए, साथ ही आप उसे पूरा पकाइए, उसके बाद खाइए। कुछ भी चीज़ों को अत पकाना खाएं, अच्छी क्वांटिटी में खाएं, साथ ही थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाएं, बहुत ज़्यादा ज़्यादा ना खाएं प्रेगनेंसी के दौरान, क्योंकि इससे आपका लूज मोशन हो सकता है और किसी चीज़ की अगर आपको एलर्जी है तो आपको वो भी हो सकती है। सो फ्रेंड, आज की वीडियो में इतना ही।
आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, आपके एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेट मिलता है। साथ ही आपको कुछ प्रॉब्लम होती है तो अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए। चैनल पर पहली बार आए चैनल को विजिट ज़रूर कीजिए। कुछ पूछना चाहते हैं या कुछ बताना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में आप जाकर पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।